गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो अभी मैं आई हूँ नीचे, बच्चे अम्मा सब ऊपर ही हैं, नीचे अभी यहाँ फिलहाल कोई नहीं है। वे दोनों भाई जा रहे हैं खेत में, तो मुझे बस थोड़ी सी लाइट की इंतज़ार हो रही, लाइट आने में ही है। तब तक ना मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दिया है नीचे, अभी उधर रह रही है जिस तरफ हमारे मतलब सारे पशु बंधे होते हैं, तो उस तरफ की झाड़ू रह रही है। लाइट आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उधर के भी झाड़ू का काम निपटा लूँगा। और देखिए, जब मैंने ऊपर से नहा धोकर आई थी पूजा वगैरह करके, मैं बिंदी लगा के आई थी, और लेकिन झाड़ू लगाई ना थोड़ा सा पसीना वसीना आया, मैंने पूछा वो बिंदी भी उतर के भाग गई। मुझे ना बिंदी के बिना माथा बिल्कुल अच्छा लगता, मैं कभी भी मतलब नहीं छोड़ती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ, चाहे मुझे दिन में 2-3 बार लगानी हो, जब भी मैं देखती हूँ कि मेरी बिंदी उतर गई है, मैं फिर दोबारा से लगा लूँ। लेकिन अभी मैं नीचे आ गई, ऊपर जाने का मुझे थोड़ा सा वो आ जाएगा, मतलब चलूँ ऊपर। तो चलिए, जब ऊपर जाऊँगी ना मैं तब लगा लूँगी। अभी जो है शाम के बज रहे हैं 6, और मैं दूध निकाल के बस बैठी ही थी मम्मी के पास, और फिर ये जो है ट्रैक्टर लेके आ गए थे भैया। इन्हें ना मैंने सुबह फ़ोन किया था, फ़ोन करके बताया था कि भैया आप आ जाना और 1-2 कट्टे हमें आटे के पिसवाने हैं, तो वो पीस दियो। तो भैया ने मुझे टाइम दिया था 2:30 से 3 बजे का, लेकिन जब वो नहीं आए तो फिर मुझे ये भी था कि शायद वो आज नहीं आएंगे, कल आ सकते हैं। तो मैंने इसी वजह से गेहूँ जो टंकी में से नहीं निकाल लेते, क्योंकि निकाल के जब मैं डाल दूँ ना तो फिर रात को ना टफी ना सारे में मतलब इसमें खेल खेल के सारे में वो चारों तरफ गिरा देता है। तो इसी वजह से फिर मैंने निकाले भी नहीं थे, लेकिन अब भैया इस टाइम आए हैं 6:15-6 बजे टाइम, तो अभी मुझे साथ के साथ ही निकालने पड़ रहे हैं। मैं निकाल रही हूँ, वंश मेरी हेल्प कर रहा है, वंश जो है चक्की में जा जा के डाल रहा है। तो जो पहले भैया आते थे दूसरे वाले, इन जो ये भैया आए हैं ट्रैक्टर पे, इनके बड़े भाई थे, तो उन भैया के तो लग गई है चोट, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को भेज दिया है। गेहूँ 2 ही कट्टे पिसवाने हैं, हमें पशुओं के नहीं पिसवाने, अपने ही खाने के पिसवाने हैं। तो मैं अब भैया को दे देंगे, भैया पीछे से पहले इन्हें साफ़ करेंगे और फिर इनका बनाएंगे आटा। अब जो ये घर घर पे ये चक्की आने लगी है ट्रैक्टर की, इससे हमें भी ना काफ़ी हेल्प हो गई है। पहले तो ये था कि इन्हें मतलब साफ़ करो और फिर इन्हें रख के आना पड़ता था जहाँ पे आटा पिसता है चक्की पे, लेकिन अब ये है कि ये मतलब फ़ोन कर दो कितनी भी इमरजेंसी हो, तुरंत ही आते हैं ये और थोड़ी ही देर में निकाल के आटा चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि मतलब इतनी बड़ी है, 10 से 15 मिनट में ही एक आटा आराम से निकल जाता है, टाइम की भी बचत है और इन्हें ले कर जाने का रख के आने का भी कोई झंझट नहीं है। घर घर आते हैं, फ़ोन करो तुरंत घर पर, सुविधा उपलब्ध है इनकी भी, तो काफ़ी हद तक अच्छी है ये, और अपना घर पे ही आके पीस के जाते हैं। अब तो हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, इन्हीं भैया को बुलाते हैं, इनसे ही हम अपना आटा पिसवाते हैं। बेचारा अपना भी बढ़ा रहा। ये हो तो जाने दे, पहले पानी हो जाने दे। हैं? पानी थोड़ा रहेगा, मुंडा पड़ा अपना अभी। तो देखिए गाइस, लड़का अपनी मैगी बना रहा है अपने लिए, क्योंकि जो शाम को ना लौकी नहीं खानी है, तो अपनी मैगी ले आया है। कह रहा मुझे रोटी नहीं खानी, मैं मैगी खाऊंगा अपने आप बना के, खानी भी अपने हाथ से बना के है। सही बात है, इतना काम करना चाहिए, अकेला रह जा, सब कहीं चले जा तो अपना पेट तो भर लेगा। हाँ, उसकी एक मैगी रखी भाई, इसमें पानी गिरेगा, पानी बहुत थोड़ा है। शेफ मैं तो मैं हैं, शेफ मैं हूँ, तो आज का शेफ तो खैर तू ही है। पानी कम है ना, ज्यादा ही इसमें बढ़ेगी। पानी कम है यो। डाला तो और पानी नहीं डाल तो दिया, झड़ बोल रहा मुझे बका रहा, डाला है तेरा पानी ज्यादा गिरवा दिया। देखिए नहीं नहीं
अभी ये खुली भी नहीं ना, ये भी हुई सही है। तो इन ऐसे तू चला रहा, छोड़ दे, हाँ थोड़ी देर बाद चल रही है, थोड़ी देर बाद आ रही, तो घोटा मार चाव रखेगा इसमें, अपने पेट भरने का इंतजाम कर रहा अपने आप है बेचारा, हाय बेचारा। मैं पढ़ा देती वैसे तो, ये तुझे अपने हाथ से क्यों खानी थी। बंद होगी? तो बंद तो गई, अभी ना पड़ी, बन गई, चलाओगे तेरी बड़म्मा कैडी तुझे बन गई इसकी। यो मैं करने बोल रही हूँ मैं कि चल इसे बंद कर, अब खा ले चल, कैडी बड़म्मा कैडी वो तो कहीं, चल बंद कर इसे, चलो चल उधर चल गया, बरामदे पे हाथों गर्मी हो रही बहुत ज्यादा, चल डाल दे पूरा घोटा, इसे इतने क्यों घोटा मचा रखा भाई है? चल कर दिया, डाल ले चल खा ले, तो देखिए बना लिया इसने, तो मैं बोलूँ और अच्छी बोल रही है, मैं कौन नहीं बोल रही हूँ बार बार मैगी को, मैगी। आज शाम के खाने में बनाएंगे हम करेले, और करेले धो के तो रख दिए थे काफ़ी देर पहले ही, अब उन्हें ना काट रहे हैं, और भरवा करेले नहीं बनाएंगे, लंबे थोड़े लंबे लंबे बड़े बड़े करेले थे तो उनका ऐसे ही गोल गोल शेप में काट रहे हैं, और फिर काटेंगे प्याज इसके बाद। तो जी करेले और प्याज ये दोनों चीज़ हमने काट ली हैं, करेले पहले अच्छे से धो लिए थे, अभी इनको करेंगे फ्राई। इनको भुनने में काफ़ी टाइम लगेगा, अभी देखिए करेले हमारे भुन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं जितने हमें चाहिए थे, थाली थोड़ी सी तीखी करके रखी है हमने, जिससे कि जो उसमें एक्स्ट्रा तेल है वो अलग निकल जाए। निकालने के बाद हमने डाल दी है ये प्याज, और प्याज फ्राई करेंगे, इनको भूनेंगे, तो प्याज हमारी ये फ्राई हो चुकी है, और इनको भी निकाल लेंगे। तो इनको गोल्डन होने तक मैंने फ्राई किया है, अब मैं इनको निकाल लूँगी, और फिर अब इनको करेंगे दोबारा से छोंकने की तैयारी। अभी हमने कढ़ाई में तेल कम कर लिया है, जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल दिया है अलग डब्बे में भुना हुआ। तो प्याज हमारी भुन चुकी है, डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च। तो जी आलू भी हमारे बन चुके हैं, और ये हमने डाल दिया है मसाई की जगह आम का मसाला, और आम के ना बड़ी बड़ी टुकड़े काट के वो डाल दिए है इसमें। सब चीज़ भुन गई है, आप डाल देंगे ये फ्राई किए हुए प्याज और करेले। देखिए कितना एक्स्ट्रा तेल था, अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे, और फिर रख देंगे डिम गैस पे बनने के लिए ढककर। देखिए करेले हमारे कुछ इस तरह से बन गए हैं, और देखिए खाने में भी काफ़ी टेस्टी होंगे, देखने में तो अच्छे लग ही रहे हैं ये। तो नमक की रोटी हो साथ में, और ये हो, और कोई भी सब्जी हो साथ में, उसी के साथ ही अच्छे लगते हैं, दाल के साथ भी, और बाकी आलू की सब्जी हो उसके साथ भी अच्छे लगते हैं। तो अभी आई हूँ मैं छत पे ही ऊपर, झाड़ू पर लेके आई हूँ, और रात और मैं आई हूँ छत पे, मम्मी अभी छत पे नहीं आई है, मम्मी तो उसी छत पे आई, क्योंकि इस छत पे ना दो जिन्ने चढ़ने पड़ते हैं, और मम्मी बोल देती कि भाई उतनी ऊपर मेरे बस की जाना नहीं है, मैं तो नीचे बैठी, तो मम्मी रह गई नीचे ही, मैं अकेले आई हूँ, कोई बात नहीं, चलो हमने सारे में यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा, मतलब इस साइड में ही है ना, तो यहाँ नीम की निम्बोड़ी पत्ते यहाँ हो जाते हैं, और फिर क्या होता है जैसे ज़्यादा तेज़ बारिश हुई ना, तो वो सारा बह के
तो जहाँ को पानी है पंताला है हमारा, जहाँ से पानी निकलता है उसमें अट जाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ सारे में झाड़ू लगाऊंगी, और ऊपर हवा ना इतनी अच्छी चल रही है, बड़ी अच्छी। तो देखिए चारों तरफ का हमारे गांव का व्यू, और आज ना मतलब मौसम इतना अच्छा है, और ठंड ठंडी हवाएं चल रही है, ये नहीं है कि इतनी गर्मी है, तो हवाएं अभी भी चल रही हैं और ठंडी है बिल्कुल। तो ये है पूरे गांव का व्यू, जब ऊपर छत पे आ ही गए हैं तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे। और देखिए ये जो सामने बिल्कुल सफ़ेद बादल है, कितना अच्छा लग रहा है ये, देखिए चारों तरफ का नज़ारा। ये दिन ढलने वाला है बिल्कुल, और सूरज छिप जाएगा और चंदा मामा आ जाएंगे। और मम्मी ना अभी नीचे बैठे हैं, नीचे अभी मैंने देखे थे नीचे आए हैं मामा जी, मम्मी जी के पास ही बैठे हैं नीचे। तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, ये नीम का पेड़ रहा ना, तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे। आज ना मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मतलब ऊपर छत पे चलेंगे और ऊपर छत साफ करके आएंगे, क्योंकि दो बार बारिश हो चुकी है, और पानी ना जब बारिश होती है ज़्यादा तेज तो हल्का सा लेंटर पे भरा हुआ रह जाता है। तो आज मैं सोच रही थी सुबह से कि अब के बारिश होने से पहले पहले ना सारी छत साफ करके आएंगे, जो थोड़ा बहुत भी ज़्यादा तो देखो गंदा हो है नहीं लेंटर पर हमारा, क्योंकि ज़्यादा हम आते भी नहीं है इस पर, बस शाम के टाइम कभी कभी घूमने या फिर पक्षियों को पानी वगैरह रखने आते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं है। पर यह है धूल भी होती है, मिट्टी धूल मट्टी हो जाती है, या फिर हवा चलती है तो नीम के पत्ते नीमबोली ये इकट्ठी हो जाती है, और फिर थोड़ी बहुत मट्टी इकट्ठी हो गई ना तो जो पानी के ये हैं पाइप लगे हुए हैं इनमें वे जमा हो जाते हैं, तो पानी थोड़ा सा धीरे धीरे निकलता है फिर वो। तो इन्हें मैं आज सारा साफ करके पूरा लेंटर, क्योंकि लेंटर है बहुत बड़ा ही है हमारा, तो इसे इस साइड से भी करूँगी दूसरी साइड से भी करूँगी, सारे में अच्छे से झाड़ू लगा के इकट्ठा करके, और फिर कूड़ा में साथ के साथ ही नीचे भर के ले जाऊँगी, नीचे से फिर तसला लाऊँगी जा करके, और फिर सारा कूड़ा भर के ले जाऊँगी। तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था पिछली साइड में, फिर भी कम है इस तरफ, ज़्यादा हो रहा है इकट्ठा ही, तो मैं यहीं पर सारा करके इकट्ठा दो तीन जगह कर लूँगी, ये नहीं कि बस सारा एक जगह खींच के ला के आऊँगी, दो तीन जगह इकट्ठा कर लूँगी और फिर इनको तसले में भर लेंगे हम। पर ना गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, इतना अच्छा जी लग रहा है, मतलब सबसे ऊपर हूँ मैं तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, देख रहे हो आप नीम भी पूरा मतलब हिल रहा है हवा से, तो बहुत ही अच्छी हवा लग रही है। और शाम का टाइम है, मौसम वैसे भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जब शाम के टाइम जब छत पर चढ़ते हैं ना, जब दिन ढलने का टाइम होता है, तो चारों तरफ का व्यू भी ना इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो मैं इसी वजह से इस टाइम आई थी कि तो झाड़ू मेरी इधर तो लग चुकी है, अब दूसरी साइड में लगाऊंगी मैं। एक ना सबसे ज़्यादा कूड़ा हो रहा है इकट्ठा है यहाँ से टैंक के बराबर में, क्योंकि यहाँ जब पानी उनी भी होता रहता है निकलता रहता है, जैसे टैंक भर गया थोड़ा सा ऊपर को निकल गया कुछ, ये बराबर से लीकेज हो रहा है तो थोड़ी सी, तो वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था। और वहाँ पे ना थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हो गई, दो तीन जगह ना हरे हरे पौधे से भी जम गए थे, तो वो सब भाई साहब ने तो वैसे पहाड़ के भी मुंडे रखे हुए थे, मैंने सारे इकट्ठे करके भी एक जगह कर दिए हैं, उन्हें सबको भी भर के नीचे ले जाएंगे। तो जी आज के ब्लॉग का यहीं पे करते हैं हम एंड, हम भी नीचे चलते हैं अभी, ऊपर के सारे काम निमट चुके हैं। तो आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।